हम लोग सेकेंड इंजेक्शन के लिए फिर से मेडिकल आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। प्रकाश अनुकाट कॉलेज से नको। हाँ दादम लता इनवा। हाँ हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ। और जेबिया का हालत अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है, पर उतना अच्छा नहीं हुआ है। 4 दिन से नहीं नहाया था, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो बोल रहा है नहाऊंगा, ऐसे तो मैं पानी गर्म कर दी हूँ और वो अभी नहाने गए हुए हैं। और घर वगैरह कुछ भी नहीं समेटी हूँ, तो अभी जा रही हूँ बेड समेटने। नाश्ता तो हम लोग का हो गया, सुबह रोटी पकाई थी और आटा में थोड़ा सा नमक डाल के और जैम रोटी खा लिया है, क्योंकि कुछ सब्जी मैं बनाई नहीं। ये भी बोलता है कि तेल वाला नहीं खाऊंगा ऐसे, तो कैसे मैं सब्जी बनाऊँ बिना तेल, बताइए। तो थोड़ा सा भी नहीं डालने बोलता है, तो इसीलिए जैम रोटी खाया। फिर दवाई वगैरह अच्छे से ही खाया। रात में तो आप लोगों को पता ही है, दिखाई थी आप लोगों को, उसको उल्टी हो गया सारा दवा। और अभी तो अपने से खाया और अच्छा से खाया है, और झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है। और सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं कपड़े वगैरह धोई, बेडशीट वगैरह रात में चेंज की थी क्योंकि उल्टी कर दिया था। तो सारा कपड़ा मैं सुबह उठ के सबसे पहले बर्तन धोई और फिर कपड़ा धोई, तो पसार दी हूँ सूख रहा है। अभी समय भी हो चुका है डॉक्टर के पास उसको ले जाने के लिए, इंजेक्शन दिलवाने के लिए, तो इसलिए नहाने भेजी हूँ। तब तक कम से कम बेड समेट लूँ, पोछा अगर नहीं होगा तो आके मैं करूँगी। और मुझे आज कॉलेज भी जाना है, कॉलेज जगह कैफे में बुक खरीदना है। मेरा एग्जाम का डेट भी निकल चुका है, 27 तारीख से हम लोग का एग्जाम है, 27 सितंबर से। सेमेस्टर 2 का फाइनल एग्जाम है, तो तैयार तो करना है, साथ में जेबियर का भी ख्याल रखना है। और मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, हाँ मेरा आँख ना पूरा लाल हो गया है, ये देख सकते हैं इधर भी। कल ना पता नहीं आँख में कचरा घुसा है कि आई फ्लू हुआ है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और पूरा खुजली लग रहा है ना, आँख नोच ले, इसे बहुत ज़्यादा खुजली लग रहा है। लेकिन मैं आँख ऐसे ऐसे नहीं कर रही हूँ, काजल लगाई हूँ और शायद ठीक हो जाएगा। या तो फिर अभी मैं जेबियर को मेडिकल ले जाऊंगी ना, तो आई ड्रॉप ले लूंगी। तो गाइस देर ना करते हुए जल्दी से बिस्तर समेटती हूँ, देख सकते हैं मच्छरदानी वगैरह लगा हुआ ही है, और घर एटलीस्ट झाड़ू कर देती हूँ। तो फ्रेंड झाड़ू पोछा हो गया और बेड वगैरह भी समेट ली हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेडिकल जेबियर को इंजेक्शन दिलवाने के लिए। और मेरे देवर भी आ गए हैं, वो तो पुदाना में, उसको भी मुझे पिकअप करने जाना है, रिसीव करने जाना है। रेडी है? हाँ। कैसे लग रहा है आज? थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है बोल रहे हैं। और ये नहा लिए हैं तो थोड़ा फ्रेश लग रहा होगा। मैं नहीं नहाई हूँ, मुझे नहाने का मन कर रहा है, तो लेट हो रहा है, तो ये बोल रहे मत नहाओ अभी, आके नहाना। तो ठीक है आके नहाऊंगी, चलिए फिर निकलते। आप इसमें डाल पर्स नहीं ले जा रहे हैं? और कैश पकड़े हैं? हाँ इसी में डाल दी सारा। ओके आप अपना फ़ोन ले लीजिए, चलिए निकलते हैं। गाड़ी चाबी। हम लोग मेडिकल पहुंच चुके हैं और यहाँ जेबियर बैठे हुए हैं, पर इसको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं क्या सोच रहे थे ये, फिर अचानक से इसका नज़र पड़ गया मेरे कैमरे पर, तो स्माइल दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम। लेटी है, रुको, कहाँ देगी मैं बताऊँ कहाँ देगी। आज तो हंसा, 4-5 दिन बाद हंस रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाप रे, इतना ऐसे सांस लेता था ना, एकदम हमको डर लगता था, एकदम हाफा हाफी सांस लेता था, ऐसा टाइप से सांस लेता था। आज तो नहाया, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, ठीक हो जाएगा। चलो इनका हो गया इंजेक्शन। कहाँ मिला जी? कहाँ मिला? इधर मिला, कमर में मिला। चलिए फिर, इसको थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है। मेडिकल से रूम वापस आ चुके हैं, अभी मैं जा रही हूँ तुपुदाना। मेरे देवर जी आ रहे हैं, वो तुपुदाना में तभी से खड़े हैं क्योंकि हम लोग चले गए थे मेडिकल, तो मैं उसको रिसीव नहीं की हूँ। और वो ऑटो शायद नहीं मिल रहा, तो वो नहीं आ रहे हैं। और मेरा आँख लाल है ना, तो मैं मेरे लिए ये देख सकते हैं आई ड्रॉप लेके आई हूँ, और कुछ दवाई दिए हैं जो कि खाना है, बोले डॉक्टर तो खा ही लेती हूँ, क्योंकि नहीं खाइएगा तो फिर जल्दी ठीक नहीं होगा बोले। अभी जेबियर को बोलती हूँ रेस्ट करे, वो इनको रेस्ट करने देती हूँ। और अच्छा, इसको आपने चेंज किए थे आज, दूसरा वाली पहना है ना कि वही वाला दूसरा है? ओके, मैं बोल रही हूँ अभी मैं खाना चढ़ा के जा रही हूँ ना। हाँ देखो पसीना पसीना हो रहा है, खाना चढ़ा के जा रहे हैं सिम करके, मतलब कम आँच में, आने तक पक जाएगा, ठीक है। तो जेबियर बोले जाओ, और खाना ना नहीं बनाया है, रोटी बनाए थे सुबह, मैं भी रोटी ही 2 रोटी खाई हूँ और फिर ये खा लिए, 3-4 रोटी ऐसे खा ली हैं। तो खाना चढ़ा के जाती हूँ, इसके लिए तो मैं रोटी बना दूंगी, आटा गुथा हुआ है, तो हम लोग तो खाना खाएंगे ना, इसलिए क्या दाल चढ़ा दी। दाल आप अब बेटर फील कर रहे हैं ना, तो गिरेगा थोड़ा सा देख दीजिएगा ना। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। ये देख सकते हैं चावल में चढ़ा दी हूँ, और इधर दाल कढ़ाही में ही डायरेक्ट चढ़ा दी हूँ, कुकर में नहीं। कपड़े भी मेरे पास आ चुकी हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
मैं तो पुदाना से आ चुकी हूँ और मेरे आने तक तो खाना वगैरह डबक रहा है और मेरे देवर को मैं लेके आ गई हूँ। चलिए मिलाती हूँ मैं आप लोगों से। ऐसे तो बोला जाता है पर फिर भी थोड़ा सा आप लोगों प्रकाश बस गिर ना। हाँ ठीक है। चिरा घुमाऊ ना बोधी बोधी घर का बोधी हमको नसीब और देखिए प्रकाश ला दिए हैं इतना सारा और ना मिलते हैं चिनाले माँ के दाम थोड़ी ना होती तरह वाला क्रिंग हाँ वाला बुध रही है क्रिंग लगा प्रकाश ने काटे कॉलेज से ना को हाँ दादा मतलब तेरे माँ हाँ तो गाइस कॉलेज में पहुंच चुकी हूँ और बुक्स मैं ले ली हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 और इधर है मेरी फ्रेंड प्रीति से हाय थैंक यू। अभी हम लोग मेरे रूम की ओर जाते हैं ये सब पंडाल वगैरह इतना भींग रहे हैं देखो तो बंदरी लोग बंदरा बंदरी का शादी हो रहा है रे सच बता रही हूँ। अभी हम लोग घर की ओर जाएंगे। रीति मेरे घर आने ही वाली थी जेवियर को देखने के लिए उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब था तो ऐसे मैं कॉलेज आ ही रही थी बुक खरीदने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं इधर है बुक दुकान यहीं से मैं ले ली तो मैं सोची कि मैं आ रही हूँ तो लेते हुए चली जाती हूँ इसका ऑटो भाड़ा भी बच जाएगा इसीलिए। बाल देखिए ना मेरा कॉलेज में ऐसे पगली जी से आती हूँ कॉलेज के अंदर घुसती नहीं हूँ मैं किताब लेने आई थी मैं उधर मेरे एरिया में मिलता नहीं है ना इसी वजह से पानी और दाल चढ़ा के आए हैं और अभी जाके मुझे हाँ कुछ सब्जी वगैरह बनाना है। अभी तुरंत मैं डोरंडा से आई हूँ घर और प्रीति नहीं आई प्रीति आ रही थी और पानी आ गया ना हम लोग छिका गए और उसके बाद तो प्रीति का ट्यूशन पढ़ाने का समय हो रहा है तो मैं बोली मत जाओ ऐसे भी अभी जेवियर ठीक ही है और पहले से थोड़ा बेटर है बोली मैं किसी कल आ जाना या किसी और दिन आ जाना अब इतना लेट हो गया बताइए अभी कितना 3:30 बज गए थे और 4:30 बजे और वो 5 बजे से कि 5:30 बजे से पढ़ाती फिर इतना दूर आएगी फिर जाएगी आना जाना बहुत हो जाएगा और फिर ट्यूशन भी उसको पढ़ाना है तो फिर मैं ही मना कर दी मत जा प्रीति कितना ट्रैवल करेगी इससे बोली। फिर मैं अभी आई हूँ और प्रकाश तो किधर साइकिल लेके गया है सर डैम से डैम दिखा है उधर डैम बता ना इधर उधर आजादी किधर चल गया तो घर में नहीं है उसको भूख भी लग रहा होगा बताइए तो हम कैसे भाभी हैं जो अभी तक खाना नहीं दिए मेरा कंप्लेन करेगा हमको लग रहा है तो अभी जल्दी से मैं बोधी पका देती हूँ इसको मैं फोन करके बोली थी कि तोड़ दीजिएगा बोधी तो बोधी तोड़ दिए हैं ये देख सकते हैं जेबीएल इतना सारा बोधी तोड़ दिया है प्रकाश बिंग बुरु से ला दिया है इतना सारा बोधी बताइए तो ये तो इतना तोड़ा है इसी को पका देती हूँ पहले तो मैं जेवियर के लिए रोटी पका देती हूँ क्योंकि उसको भूख लग रहा है ये देख सकते हैं आटा मैं गूंथ चुकी हूँ तो गैस जल्दी से मैं रोटी पका देती हूँ गरम गरम जेवियर के लिए कितना रोटी खाइएगा बस चार ठो में क्या होगा पका दे सारा रोटी कितना ठो बन रहा है बताए 1 2 3 4 5 6 8 बन रहा है प्रीति का फोन आ रहा है हम लोग घर में फ्रिज भी तो नहीं है ना। ओके गाइस बनाती हूँ और प्रीति का कॉल अटेंड करती हूँ। ओके गाइस ये देख सकते हैं बोधी और आलू छोंक दी हूँ इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और इधर रोटी भी बन चुका है तो जेबियर को दे देती हूँ खाने के लिए रख दे चलिए ना आप जितना खाइएगा खाइए 8 रोटी तो ये नॉर्मल खाते थे लेकिन तबीयत खराब है इसीलिए। तो गाइस 6 बजने वाला है और सब्जी भी बन गया बोधी आलू का भुंजिया और चावल दाल तो बन ही गया था तभी में और जेवियर को तो खाना खिला दी हूँ मैं लेकिन प्रकाश पता नहीं कहाँ गया है जेवियर का साइकिल लेके और अभी तक नहीं आ रहा है 6 बजने वाला और फोन ना चार्ज में लगा के गया है मैं फोन कर रही तो घर में ही रिंग हो रहा है। मैं अभी जा रही हूँ नहाने पानी गर्म की हुई हूँ और मेरा आँख ना देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाल हो गया है ये देखिए और इतना ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है तो मैं नहा लेती हूँ और आंख में जेवियर से आई ड्रॉप डलवा देती हूँ। मैं नहा ली हूँ और तब तक प्रकाश भी आ गया था तो खाना वगैरह मैं दे दी थी और खा लिया और अभी अंदर रूम में जेवियर के साथ में वो लोग लेटे हुए हैं और अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने और खाना खा के मुझे आँख वाला दवा भी खाना है और आँख में मैं जेवियर से आई ड्रॉप लगवाऊंगी इसलिए मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ और 7 तो बज ही गया और ये ब्लॉग वीडियो भी यहीं एंड करते हैं। प्रकाश तो खा लिया है लेकिन जेवियर और 2 रोटी खाएंगे बोल रहा है आटा गूंथ के रख देती हूँ जब उसको खाने का मन होगा तब मैं उठ के बना दूंगी और अभी फिलहाल तो मैं जा रही हूँ खाना खाने फिर
फिर भी दवा वगैरह खा के स्टडी करना है गाइस। तो ये ब्लॉग वीडियो यहीं एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।